नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक्नोलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं एक स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ जो OLX और क्विकर पे बहुत हो रहा है। तो आप उस स्कैम से बच के रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि मुझे दो टैब्स बेचने हैं तो मैं कैसे बेचूँ। तो मैंने उसे बोला कि तू OLX पे डाल दे या क्विकर पे डाल दे। तो उसने OLX पे वो टैब लिस्ट किया मेरी गाइडेंस पे एंड उससे दो तीन रिस्पॉन्स भी आए। तो उसमें एक टैब था 4,000 रुपीज़ का, उस पर एक उसे रिस्पॉन्स आया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड मैं नागपुर में रहता हूँ, तो आप क्या उधर कुरियर कर देंगे। तो पहली उसकी बात मेरे दोस्त से हुई। तो मेरे दोस्त को इतना इंटरेक्शन करने का नॉलेज नहीं था, तो उसने मेरा नंबर दिया। तो मैंने उससे बात की और बोला कि आप कुरियर करोगे कि नहीं। तो मैंने बोला कुरियर चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि नागपुर तक का 1,000 रुपीज़ होता है, मुझे इतना पता है, पर हालांकि इतना नहीं होता है क्योंकि अगर मैं अपने गांव भी भेजूँ राजस्थान तो भी 1,000 के अंदर ही हो जाता है। तो बेसिकली वो मैं एक वहाँ पर मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है यहाँ इसमें। तो मैंने ठीक है 5,000 वो दे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुरियर करने में। मैंने उन्हें जस्ट बोल दिया कि अगर आप यहाँ पे अगर कुरियर करते हो तो आप टैबलेट देख नहीं पाओगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम फिर रिटर्न नहीं लेंगे। तो उन्होंने उस बात पे भी एग्री किया एंड कुरियर करने के लिए हम रेडी हो गए। तो अभी उस बंदे से हमारी बात हुई, तो हमने बोला कि आप पेमेंट कैसे करोगे, क्योंकि हमें कुरियर के पहले पेमेंट चाहिए थी, क्योंकि अगर हम पहले कुरियर करते तो वो बाद में पेमेंट दें ना दें हमें नहीं पता। तो हमने उन्हें बोला कि आप UPI से पेमेंट कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। तो उनका कॉल कट होने के बाद 30-40 मिनट बाद भी मुझे पेमेंट नहीं मिली एंड 30-40 मिनट बाद उनका मुझे फ़ोन आता है कि हाँ मैं पे कर रहा हूँ, आप अपना फ़ोन पे ऐप ओपन कीजिए। मैंने ऐप ओपन किया और मैंने अपने फ्रेंड का ID नहीं दिया था, मैंने अपना ID दिया था, तो उनकी बात मेरे से हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि फ़ोन पे ओपन किया, तो मैंने कर दिया एंड फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपको पे कर दिया 3,000, क्योंकि उनके वो बोल रहे थे कि मेरा आर्मी का अकाउंट है एंड मैं एक साथ 5,000 ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं पहले आपको 3,000 दूंगा एंड देन 2,000। तो मैंने बोला ठीक है कोई इश्यू नहीं है। तो उन्होंने पहले मुझे 3,000 पे किया, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मुझे रिक्वेस्ट आती है कि वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे 3,000 रुपीज़ कि मैं उनको पे करूँ। तो मैंने बोला सर ये तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझसे, आप मुझे पे नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने बोला एक बार आप पे कर दीजिए, आपको वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो मैंने बोला सर मुझे ये सब पता है, ये सब आप मेरे साथ मत कीजिए, मुझे आपको टैबलेट नहीं बेचना है। तो उन्होंने बोला एक बार आप 10 रुपये का करके देखिए, और 10 रुपये आप मुझे पे करके देखिए, आपको वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी वो 10 रुपये अगर मैं उसे पे भी करता हूँ तो उसे वापस भेजने में कोई परेशानी नहीं है, पर अगर मैं उसे 3,000 पे करूँगा तो वो 3,000 मुझे वापस नहीं भेजेगा। तो ये जो स्कैम होता है ये बहुत होता है OLX एंड क्विकर पे एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स में भी बहुत होता है। एंड इसमें जो है कि वो आर्मी की बात कर रहा था, तो कुछ लोग ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ उसका आर्मी का अकाउंट हो सकता है, वो पहले 3,000 भेजेगा फिर 2,000, पैसे तो पूरे लेके रहेगा, 2,000 तक आपको कॉल करेगा, पर अगर आपको वो क्रेडिट नहीं हुआ 3,000 भी, तो आप तो कहाँ जाओगे, आप उसे सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हो, पुलिस में कंप्लेन कराओगे, उसके लिए 15-20 दिन से ज़्यादा लग ही जाएगा। तो ऐसे फ्रॉड से आपको बच के रहना चाहिए एंड मेरा काम था आपको सतर्क करना। तो आप प्लीज़ ऐसे स्कैम से बच के रहिए। और मेन चीज़ जो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस यूज़र को रिपोर्ट करें, ताकि उस यूज़र के अकाउंट को वो OLX या क्विकर ब्लॉक कर दे उनके अकाउंट से। तो मैंने भी यही किया, जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने उस यूज़र को ब्लॉक कर दिया एंड रिपोर्ट किया मैंने, एंड जो OLX को वो यूज़र सस्पिशियस लगा तो उन्होंने उसका अकाउंट डिलीट कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप रिपोर्ट करें उससे, ताकि वो किसी और के साथ ना हो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर आपके पेटीएम में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फ़ोनपे में होते हैं, गूगल पे में होते हैं, तो आप उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए कि हाँ कि इस नंबर से मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे ब्लॉक कर दीजिए एंड इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, बाकी यूज़र्स बच जाएंगे एंड आप जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो इस स्कैम से बचे रहे। तो मेरा काम था तो स्कैम बताना, अभी आपका काम है कि आप सतर्क रहें और बच के रहें। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्योंकि हर वीक मैं 3 वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।